बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो वीडियो बनेगी लिबर्ट 80 नेट 80 EXL इमर्सन का 200 KVA UPS है। अच्छा जी, इसके अंदर जो फॉल्ट आ रहे हैं, पहले मैं आपको फॉल्ट दिखा दूँ, फॉल्ट कौन सा क्रिएट कर रहे हैं। मैं आपको फॉल्ट डिस्प्ले के ऊपर दिखा देता हूँ, आप आ जाएं। पावर मैंने इसको दे दी है अभी। इसके अंदर यहाँ पे वो एक लगा हुआ है कॉन्टेक्ट का, पहले वो लैच होगा, ये रेक्टिफायर इसका ऑन हो जाएगा, उसके बाद ये इन्वर्टर पोर्शन है। और फॉल्ट आ रहा है, फेज वन का फॉल्ट आ रहा है, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ सामने। चार इन्वर्टर कंफर्म, ये इसके अंदर फॉल्ट है, वार्निंग में आ जाए, ये फॉल्ट दिया है। 36-0005 इन्वर्टर DC AC डी सैचुरेशन और जनरल में 30-178 फास्ट डी सैचुरेशन आ रहा है फॉल्ट। तो वापस आ गए और इन्वर्टर स्टार्ट कंफर्म और रिसेट। ये इसके अंदर फॉल्ट है। ये जब आप ऑन करेंगे तो आपकी इनपुट रेक्टिफायर तक पहुंच जाएगी, उसके ऊपर ये लगा हुआ है स्टैटिक। जब ये ऑन करेंगे, ये लगा हुआ है स्टैटिक पोर्शन। जब ये ऑन करेंगे तो इनपुट आ रही है, वो स्टैटिक तक पहुंच जाएगी। और तीसरा लगा हुआ है मेंटेनेंस बाई पास, ये समझे कि जब ये ऑन करते हैं तो हर चीज़ इनपुट और आउटपुट कॉम्बिनेशनली आपस में शार्ट हो जाती है। जब इसको ऑन करते हैं तो फिर ये इनपुट रेक्टिफायर, ये स्टैटिक और ये आउटपुट, तीनों को ऑन नहीं करना आपने, क्योंकि जब ये ऑन करते हैं तो इनपुट यहाँ से आके डायरेक्ट यहाँ पे आउटपुट पे आ जाती है, और अगर इन्वर्टर आपका ऑन होगा तो क्रैश हो सकता है उसके अंदर। ये है आउटपुट, सबसे पहले स्विच है ये रेक्टिफायर का लगा हुआ है, जो दूसरा स्विच है ये स्टैटिक बाईपास का लगा हुआ है, तो तीसरा जो मेंटेनेंस बाईपास है ये नॉर्मली हमने इसको बंद किया होता है, ये हम ऑन नहीं करते हम लोग, क्योंकि जब ये ऑन करेंगे तो इनपुट आउटपुट टू हो जाएगी। अच्छा, ये रेक्टिफायर ऑन करेंगे, रेक्टिफायर तक पावर पहुंच जाएगी, दूसरा स्टैटिक इस स्टैटिक तक पहुंच जाएगी। स्टैटिक और इन्वर्टर ये पैरेलल होते हैं। ये वाला जो पोर्शन है इसके अंदर मुख्तलिफ कार्ड कंट्रोल कार्ड लगे हुए हैं, इंटरफेसिंग बोर्ड लगे हुए हैं और पावर सप्लाई वगैरह, फैन ड्राइव इसके अंदर लगी हुई है। ये स्टैटिक बाईपास सबसे ऊपर है, ये फेस वन और रेक्टिफायर। अच्छा, रेक्टिफायर इनका यहाँ पे लगा हुआ है, ये रेक्टिफायर के हैं फेस वन, फेस टू, फेस थ्री के अंदर चार्जर भी है और बूस्टिंग भी है। ये फेस UVW कह लें, फेस वन टू थ्री के कह लें। ये इंटरफेस बोर्ड फेस वन का है, ये इंटरफेस बोर्ड फेस टू का है, अंदर ड्राइव्स लगी हुई हैं, PSTR बोर्ड, ड्राइव बोर्ड जो हो अंदर इसके अंदर लगे हुए हैं। ये फेस थ्री का इंटरफेस बोर्ड है, कंट्रोल इधर लगा हुआ है, ये इधर पावर सप्लाई लगी हुई है, इधर इंटरफेसिंग बोर्ड, पावर सप्लाई और सेंसिंग बोर्ड वगैरह सारे यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। ये स्टैटिक का बोर्ड लगे अपना, ये सारा पोर्शन स्टैटिक लगा हुआ है, और आगे एक कॉन्ट्रेक्टर है वो इनपुट पे लगा है। ये बस इसको जीरो पे कर दे तो ये अनलॉक हो जाता है। अच्छा, अभी आ जाए, ये इनपुट आ रही है, फेस पहला फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस, ये रेक्टिफायर है, इसको ऑन करेंगे रेक्टिफायर के पावर चली जाएगी, और वो को जो कॉन्ट्रेक्टर लगा हुआ है इनपुट का, वो अगर फेस सिक्वेंस ठीक होगा तो थ्रू कर देगा।
ये स्टैटिक लगा हुआ है, इसका काम ये है, ये स्टैटिक की पावर यहाँ पे इस पर आ रही है, थ्री फेस यहाँ पे आ रही है, और ये मटेरियल सप्लाई पास है, ये इनपुट इसके ऊपर आ रही है और ये आउटपुट है, और यहाँ ये इन्वर्टर की आ रही है, ये फेस वन के अंदर एक मसला आ रहा है, इन्वर्टर ट्रिप हो जाता है इसका। अब मैंने फेस वन को बाहर निकालना है और उस पर काम करना है। इसको बाहर निकालने का आसान सा तरीका है, यहाँ पे दो जो है ना ये दो फोल्ड खोले, पीछे एक तार लगी हुई है इन्वर्टर की लगी हुई है और एक इनपुट की लगी हुई है, आप उन दोनों तारों को उनको उतार लें तो ये इसको बाहर खींचे तो ये बाहर आ जाएगा। हाँ, इधर बस जो बस लगी हुई है वो भी यहाँ पे लगी हुई है इस साइड पे, तो ये भी आपको उतारनी पड़ेगी। वो लगा हुआ है कॉन्ट्रेक्टर, ये नीचे लगा हुआ है, ये इनपुट का कॉन्ट्रेक्टर है, स्टैटिक है ये इसके वो कंट्रोल कार्ड, पावर सप्लाईज, इंटरफेस बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड वगैरह ये इस पोर्शन में लगे हुए हैं, और ये फेस वन, फेस टू, फेस थ्री, ये रेक्टिफाई होने के बाद ये बूस्टिंग और चार्जर इसके अंदर लगा हुआ है, ये पॉजिटिव और ये ज़ीरो वोल्ट, ये नेगेटिव, ये बनते हैं 370 वोल्ट। ये दो इसके अंदर चौक लगी हुई है, ये रेक्टिफायर की हैं और ये इन्वर्टर की है, ऐसी ये रेक्टिफायर की हर फेस के ऊपर पीछे दो कॉइलें लगी हुई हैं, एक रेक्टिफायर की है और दूसरी इन्वर्टर की है, आगे चार IGBT लगे हुए हैं, वो उसमें से दो रेक्टिफायर के हैं, दो इन्वर्टर के हैं, आगे ये चार DC बस कैपेसिटर लगे हुए हैं, और ये इन्वर्टर वन का कंट्रोल है, आगे इसकी ड्राइव है। चलिए जी, आपने पूरा इन्वर्टर का दिया, ये वाला जो बोर्ड है ये इन्वर्टर का और रेक्टिफायर का इंटरफेस बोर्ड है, और ये ड्राइवर है इसका, ये दोनों का सेम है, आप रेक्टिफायर पे लगा लें या इन्वर्टर पे लगा लें। तो ये मैंने दो चेंज किए हैं इन्वर्टर के, इन्वर्टर पे दो लगे हुए हैं और दो ही रेक्टिफायर पे लगे हुए हैं, वो रेक्टिफायर का वो लगा हुआ कॉन्ट्रेक्टर वो लैच होगा सबसे पहले, और उसके बाद इसके ये जो फैन है अपना पावर जब पूरी हो जाएगी इसके फैन चलेंगे। ये वो कॉन्ट्रेक्टर का इनपुट का कॉन्ट्रेक्टर लैच हो गया है। अभी फेस वन, फेस टू, फेस थ्री यहाँ पे ये रेक्टिफायर है, सबसे पहले ये इनिशियलाइज होगा रेक्टिफायर, और ये जाएगी इसके इस मॉड्यूल के ऊपर, ये बूस्ट है, ये वन टू थ्री ये इन्वर्टर है, इन्वर्टर का फेस वन, फेस टू, फेस थ्री ये इन्वर्टर मोड है, ये इसका डिस्प्ले आ रहा है। इसके बाद मैं इसकी जो बैटरी ब्रेकर है, उसके बाद मैं बैटरी ब्रेकर मैंने ऑन करना है, ये इसकी बैटरियां लगी हुई हैं, ये वाली ये 40 बैटरियां लगी हैं 40, और ये इसका बैटरी ब्रेकर है इसका, ये मैं ऑन कर दिया मैंने, ये UPS है, ये वो है हमारे पास, ये पावर पैनल है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, ये लगे हुए हैं, ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ये इनपुट का है और ये जनरेटर पे लगा हुआ है। ये है इन्वर्टर, इन्वर्टर स्टार्ट कंफर्म, ये कंफर्म करेंगे तो इन्वर्टर ऑन हो जाएगा।
ये अभी इन्वर्टर इसका ऑन हो गया और नॉर्मल है। ये बाईपास के वोल्टेज है, ये मेन इनपुट आ रही है, यहाँ पे वार्निंग है, कोई अगर वार्निंग आएगी यहाँ पे आएगी और या फिर फॉल्ट वगैरह यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आएंगे, यहाँ को इवेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये होम है, ये बाईपास इनपुट आ रही है, कितनी आ रही है 249, 248, 246। ये मेन इनपुट आ रही है 252, 251, 248, 50 हर्ट्ज। ये वार्निंग है, इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे वार्निंग आ जाएगी, इसे क्लिक करेंगे ये इवेंट आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे ये मेजरमेंट्स आ जाएगी। अच्छा, मेजरमेंट्स कौन सी चाहिए आपको, ये रेक्टिफायर की है, ये बाईपास की है, ये इन्वर्टर की है, ये चार्जिंग और बूस्ट है, ये बैटरी है, ये लोड है, ये बैटरी, ये बैटरी आ रही है और ये होम। अच्छा, आप इस ये जो यहाँ भी क्लिक करेंगे तो ये उस क्वेश्चन पे चला जाएगा, ये रेक्टिफायर पे चला गया। उसके बाद ये चार्जर पे चला गया, ये बैटरी है, ये इन्वर्टर है, ये लोड, यहाँ भी यहाँ से भी आप जा सकते हैं, रूम पे आ जाएं। और ये स्टार्ट इन्वर्टर, स्टॉप इन्वर्टर, रिसेट फॉल्ट, बजर, ये बैटरी बोर्ड हैं और ये वाले हैं आउटपुट बोर्ड। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस तरह ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पावर को मॉनिटर करने के लिए हमने पावर क्वालिटी एनालाइजर है वो लगाया हुआ है, अच्छा एक तो ये चीज़ है कि इसकी आउटपुट 230 वोल्ट आ रही थी, मैंने 240 वोल्ट कर दी है, और फेस टू फेस 415 वोल्ट। और दूसरा ये मैंने पावर क्वालिटी एनालाइजर लगाया हुआ है इसके साथ, ताकि इसकी पावर इनपुट पावर मॉनिटर होती रहे। 230 वोल्ट आ रही थी लेकिन चाहिए थी 240। ये 240 थ्रू सॉफ्टवेयर कर दिए, ये वाली आउटपुट अभी मेन इनपुट भी 242 आ रही है, बाईपास भी 240 आ रही है, और अभी जो आउटपुट है वो भी 240 वोल्ट आ रही है। ये बैटरी बोर्ड है, यहाँ पे जो दो कॉलम है ना, ये दो ये सी और बी बने हुए हैं, सी फॉर चार्जिंग, बी फॉर बूस्टिंग।